अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल सांझा दस्तरखान। आज मैं अपने दस्तरखान में पेश करने जा रही हूँ सर्दियों की एक शानदार बेहतरीन ब्रेकफास्ट रेसिपी, मेथी पुलाव, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर हम इसको टाइम सेविंग रेसिपी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ये बच्चों के लिए, लंच बॉक्स के लिए भी अच्छी रेसिपी है, और मेरे फैमिली में तो ये मेथी पुलाव जो है वो ब्रेकफास्ट में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, और वो भी बॉयल्ड एग और हरी धनिया की चटनी के साथ। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसकी इंग्रेडिएंट के बारे में। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, जो कि 15 से 20 मिनट मैंने इसको भिगो लिया था। ये कच्चे चावल हैं और इसका पानी निकाल लिया है। ये 3 टेबल स्पून मेथी है, जो कि मैंने आधा घंटा गुनगुने पानी में भिगोया था, और इसका पानी मैंने इस बाउल में रख लिया है। आप चाहें तो इस पानी का यूज़ कर सकते हैं पुलाव बनाते टाइम। ये तीन टेबल स्पून ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, जो कि मैंने 20 से सिलेक्ट कर लिया है। और ये मैंने 2 टेबल स्पून नमक रखा है, आप इसका भी अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा हो चुका है, अब हमने फ्लेम को लो हीट कर दिया है, और हम इसको इसमें जो हमारी हरी मिर्च हैं, पहले हम हरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम मेथी लाया डालेंगे। हमने हरी मिर्च पहले इसलिए डाला है ताकि उसका अच्छा जो फ्लेवर होता है मिर्च का, वो तेल में आ जाएगा। उसके बाद हमने मेथी दाने को डाल दिया है। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। देखिए मैंने अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड किया है। अगर आपके चावल जितना पानी लेते हो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं, थोड़ा कम या ज़्यादा। फ्लेम को हाई कर देंगे, पानी में हम 1 उबाल आने देंगे। देखिए पानी का उबाल आ चुका है, पहले हम इसमें नमक डालेंगे, उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अभी फ्लेम हम हाई रखेंगे। ये देखिए 1 उबाल आ चुका है, मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी और इसमें 1 सीटी तक रुकूंगी। जब 1 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद मैं लो फ्लेम कर दूंगी और 5 मिनट धीमी आंच में पकने दूंगी चावलों। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं तो चलिए हम जब तक हरी चटनी तैयार कर लेते हैं अपनी। ये देखिए चटनी हमें थोड़ी ज़्यादा तीखी बनानी है, तो हमने इसके लिए हरी मिर्ची ज़्यादा रखी हैं, तकरीबन 50 ग्राम के आसपास है, जो कि हमने धो के इसके पीछे की डंडी निकाल ली है। और 1 हैंडफुल हरा धनिया है, जो हमने धो के इसको काट लिया है। और 10 से 12 ये लहसुन की क्लोव्स हैं, और नमक वही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम इसको मिक्सी में पीस लेते हैं। और दूसरे चूल्हे में हमने अंडे उबलने के लिए रख दिए। ये देखिए 10 मिनट में अंडे बॉयल हो चुके हैं, अब मैं इसको छील कर शैलो फ्राई करूँगी, यानी कि कम तेल में फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हमने एक पैन ले लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल हमने गरम कर लिया है। ये देखिए तेल हमने ज़्यादा नहीं लिया है। अब इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि अंडे डालने से पहले इसमें हम किसी भी फॉक से या टूथ पिक से इसमें होल कर लेंगे, इसको इसमें छेद कर लेंगे। इससे क्या होगा कि अंडा फटेगा नहीं। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, इससे छींटे भी नहीं होते हैं। ये
इसको हमें हल्का सा ही फ्राई करना है कि यहाँ पर ये ब्राउन ब्राउन पैचेस आ जाएं। इसका प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसका ढक्कन खोल कर देखते हैं पुलाव का हाल। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की। इसमें मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ये टोटली ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं डालिए, अदरवाइज रहने दीजिए। मैंने एक चुटकी इसमें कलर डाल के इसका 2 मिनट के लिए और इसका लिड लगा दूंगी, बस 2 मिनट बाद हमारी ये पुलाव खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम पुलाव को हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए कलर सब में मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कितने खिले खिले हमारा पुलाव तैयार है, अब ये प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए 15 से 20 मिनट में हमारा शानदार ब्रेकफास्ट रेडी है बिल्कुल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर जरूर कीजिएगा। इसको आप बॉइल्ड एग और ये बटर और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको ये मेरा मेथी दाना पुलाव विद एग पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगी एक सिंपल और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।